मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दो दिन पहले हुए किन्नरों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद भी मामला शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मारपीट में घायल हुए किन्नरों के गुट को अब अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिस डर से किन्नर हमलावरों के डर से चोरी छिपे रहते हैं। उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के लथेड़ी मछली मंडी इलाके में किन्नर समाज के दो गुटों में खूनी संघर्ष होने के बाद अब एक गुट का आरोप है कि मुरैना से आए शाबिर उर्फ बेबी किन्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं और बस्तियों में नेक मांगने के दौरान मारपीट के दौरान सामान और नकदी छीनकर मारपीट की जाती है। अब लूट पीट और साथ ही में किन्नर आरोपी किन्नरों के खौफ से अपना इलाका छोड़कर डरे सहमे छिपे छिपे फिर रहे हैं और अपनी जान को बचा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में कई सालों से अपने गुरु की गद्दी और मकान को लेकर विवाद बताया जा रहा है। नेहा किन्नर टोली मुरार से हूं और मेरा पैसे बर्बाद चले आ रहा है बस्ती के पीछे। मैं अपनी बस्ती मांगती जेलों गुंडागर्दी से मेरी बस्तियों में वसूली करते हैं, गुंडे भेजते हैं, नकली किन्नरों को भेजते हैं, बेबी भाई नमन और बरसा कामया ये लोग मुझे परेशान करके रखा। मैं अपनी अंगूरी गुरु को देखने गई, उनकी बहुत हालत ख़राब थी तो इन लोगों ने मेरी मारपीट कर दी, मुझे मारा पीटा। हम लोगों को गली में घेर के हम लोग जान बचा के अपने थाने में गए क्योंकि हम गुरु को देखने गए। हम लोगों को परेशान करके रखा, हम लोगों पे आरोप लगा रहा है कि जो लोग ऐसा करने आए थे हम लोग क्यों करने जाते, हमारी उधर हमें क्या लेना देना था। हमें तो पहले ही निकाल रखा है घर से, हमें तो पहले घर से निकाल के रखा है क्योंकि हमारी सितारा बाई जो ख़त्म हुई जब से उस घर में सबके हिस्से हैं। हमारा बल्लो बाई का हिस्सा है, टोली बाले हिजड़ों का हिस्सा है, मुरार के हिजड़ों का हिस्सा है और आश्रम के हिजड़ों का हिस्सा है, साधना गुरु के हिजड़ों का हिस्सा है। उस दिन क्या हुआ, मैं अंगूरू गुरु से जैसे मैं वीडियो बना के हमको गाली बक रहे थे, हम लोग जैसे निकले जैसे हम पे डंडा लाठी और गुम्मे बरसाने लगे, हमको मारपीट करने लगे, हम लोग जान बचा के अपने थाने में पहुंचे जो लदेड़ी मछली मंडी की। फायर भी करा उनने, फायर भी करा नमन ने। आरोप आप लोगों पर लगाया गया था कि आपकी तरफ से फायर हुआ है? नहीं, हमारी तरफ से कोई, हम लोग किन्नर है, हम लोग ऐसे काम क्यों करेंगे, और हम लोग तो अगर हम ऐसा करते तो थाने में क्यों जाते। हमने सब जगह जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारा पंच फैसला करता है वो पंच में नहीं आ रहा है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? इंसाफ नहीं मिलेगा हम सब मर जाएंगे, हम हत्या कर लेंगे, फांसी अलग अलग लगा के मर जाएंगे। हम लोग क्या करें, हम लोगों को हम मर जाएंगे, हमारा कोई नहीं है, ये गुंडा बेचता है, कल भी हमारी सिफारियाँ देता है, मारने की धमकियाँ देता है, मैं क्या करूँ। वजह कुछ नहीं, मेरे इलाका ये कह रहा है कि अपना इलाका मुझे दे दो, मैं तुम्हारे इलाका में वसूली करूंगी, तुम नहीं करोगे तुम यहाँ से चले जाओ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।